एक बार आप जाइए नहीं, यहाँ देख रहे हैं कि आदमी काम कर रहा है। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज हम सब जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है, आज ये दिन पूरे भारत में आज के दिन हर वर्ष हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में इस विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर, इस विश्वविद्यालय के आज इस सभागार में उपस्थित हैं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, जो मुख्य अतिथि के रूप में हैं प्रोफेसर केसी सिन्हा जी, यहाँ उपस्थित हैं पटना विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी जी, यहाँ हम आग्रह करेंगे प्रोफेसर केसी सिन्हा साहब से और प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी जी, जो हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति हैं, कृपया वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हम आग्रह करते हैं विश्वविद्यालय के छात्र संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल कुमार से कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच उपस्थित हैं, आग्रह करते हैं विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति महोदय प्रोफेसर अजय कुमार सिंह से वो अपना स्थान मंच पर ग्रहण करें। विश्वविद्यालय के गुणानुशासक प्रोफेसर रजनीश कुमार जी से आग्रह करते हैं मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर संजय कुमार से आग्रह करते हैं वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे विश्वविद्यालय की परंपरा है, विश्वविद्यालय स्तर पर कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत होती है विश्वविद्यालय के कुल गीत से, तो हमारे विश्वविद्यालय के कुल गीत गाने वाले विश्वविद्यालय के ही संगीत विभाग के विद्यार्थी हैं, उनसे आग्रह है कि कुल गीत गाकर और कार्यक्रम की शुरुआत के लिए आगाज करें। हेलो, गंगा
के लिए खुला आसमान होती है, करुणा और प्रेम में पूरा जहां होती है। शिक्षक दिवस पर सबसे पहले अपनी माँ को प्रणाम करें, क्योंकि जीवन में पहले शिक्षक हमारी माँ होती है। सब लोग अपनी माँ को जीवन की पहले शिक्षक होने के लिए नमन करते हुए आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस समारोह को शिक्षक सम्मान समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं नालंदा खुला विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर केसी सिन्हा जी, पटना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी जी जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, पटना विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह जी, पटना विश्वविद्यालय के छात्र संकाय के संकायाध्यक्ष प्रोफेसर अनिल कुमार, कुलानुशासक प्रोफेसर रजनीश कुमार और डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर संजय कुमार जी, और इस सभागार में उपस्थित पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपतिगण, पूर्व प्राचार्यगण, पूर्व संकायाध्यक्षगण, सभी औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त वरिष्ठ शिक्षकगण, पटना विश्वविद्यालय में कार्यरत सभी विभाग के विभागाध्यक्षगण, विश्वविद्यालय स्थित सभी महाविद्यालय के प्राचार्यगण, विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालय के शिक्षकगण, कर्मचारीगण, आज इस समारोह में सबसे पहले आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। आज इस कार्यक्रम में स्वागत संबोधन के लिए हम आमंत्रित करते हैं छात्र संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल कुमार जी को कि वो आए और अपना स्वागत संबोधन करें। आज इस शिक्षक दिवस समारोह में पटना विश्वविद्यालय की ओर से हम सभी शिक्षकों का स्वागत करते हैं। आज बड़े हर्ष की बात है कि आज शिक्षक दिवस के अवसर पे हम अपने वरीय शिक्षकों का जो अवकाश प्राप्त कर चुके हैं उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। आज और भी हर्ष की बात है कि हमारे वर्तमान कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी को इंजीनियरिंग कॉलेज में, बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज पटना विश्वविद्यालय का जो था, जो आज AIIT के रूप में जाना जाता है, हमारे वर्तमान कुलपति के शिष्य के शिक्षक प्रोफेसर एन तिवारी, प्रोफेसर CN सिन्हा, प्रोफेसर अनिल कुमार सिन्हा, प्रोफेसर संतोष कुमार, ये सभी शिक्षक इंजीनियरिंग कॉलेज के शिक्षक थे जो हमारे वर्तमान कुलपति को पढ़ाए हुए हैं। आज वर्तमान कुलपति हमारे अपने शिक्षक को इस अवसर पर सम्मानित करेंगे। हम सभी और भी उत्साहित हैं और हर्ष व्यक्त कर रहे हैं कि हमारे बीच में हमारे दो पूर्व कुलपति प्रोफेसर अरुण कुमार सिन्हा जी और प्रोफेसर रास बिहारी प्रसाद सिन्हा जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। सर, आप दोनों के मार्गदर्शन पे हम लोग आज भी चल रहे हैं। आप जो कुछ भी हम सबों को परेशानी होती है आप दोनों से हम लोग मार्गदर्शन लेते रहते हैं। आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पे मैं एक बार सभी अपने वरिष्ठ शिक्षकों को फिर से स्वागत कर रहा हूं इस परिसर में। आप हम लोगों के बीच में अभी आए, आप लोगों को देख के हम सभी बहुत ही
खुश हो रहे हैं। कई शिक्षक ऐसे दिख रहे हैं जिनको उस समय जैसा हम लोग देखे थे वैसा ही आज भी देख रहे हैं। ये सबसे खुशी की बात है कि आप स्वस्थ हैं, आप वैसे ही एनर्जेटिक हैं। और उस एनर्जेटिक शिक्षकों में दो तीन शिक्षकों का मैं नाम लेना चाहूंगा जिनसे मैं कुछ ग्रहण करता रहता था उनके किस तरह से वो एनर्जेटिक है। उसमें प्रोफेसर अनिल कुमार सिन्हा जी हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर संतोष कुमार जी हैं, और भारती मैम का तो कुछ कहना नहीं, वो हमें बहुत ही मार्गदर्शन हर चीज में करती थी। और हमारे राज बिहारी सर तो मुझे लगता ही नहीं है कि कभी वो रिटायर हुए हैं और होंगे। आपका हम सभी स्वागत करते हैं और आपके सफल जीवन के लिए भी हम शुभकामना देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका मार्गदर्शन, आप सभी वरिष्ठ शिक्षकों का मार्गदर्शन हम सबों को मिलता रहे आगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद। ये हमारे भारत की परंपरा है, किसी कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से होता है। हम अपने माननीय अतिथिगण से आग्रह करते हैं कि दीप प्रज्वलन कर और कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। दीप प्रज्वलन हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतीक है। हम सब जानते हैं कि अग्नि ऊपर की ओर ही उठती है, यह अग्नि का स्वभाव है। जब हम किसी कार्य में दीप प्रज्वलन करते हैं तो हमारे मन में भी यह भाव होता है कि हमारे द्वारा शुरू किया जाने वाला कार्य आगे की ओर ही बढ़े, अर्थात सफलता की ओर अग्रसर हो। दूसरा कारण होता है कि दीपक अग्नि या प्रकाश से संबंधित है। एक तो हम अग्नि की पूजा करते हैं, उसे देव मानते हैं। दूसरा हम यह आशा करते हैं कि परमात्मा हमें वह ज्ञान या रोशनी दे जिससे हमें उस कार्य को सफलतापूर्वक निभाने की शक्ति मिले और समझ मिले। यह रोशनी तमसो मां ज्योतिर्गमय वाली रोशनी है। इसका अर्थ है कि परमात्मा हमें अज्ञान से निकालकर ज्ञान के विकास की ओर ले जाए और हमारा कार्य सफल है। तो आइए हम सब इस सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। माननीय अतिथिगण दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। पहले गुरु होती है, उसके बाद हम किसी न किसी शिक्षक के मार्गदर्शन में धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करते हैं। और आज हम सब जहाँ हैं वो उन्हीं गुरु के बदौलत है। आइए हम सब अपने गुरु को नमन करते हैं। और इसलिए गुरु को कहा जाता है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु को ब्रह्मा के समान ब्रह्मा माना जाता है, गुरु को महेश्वर माना जाता है, वो साक्षात देव के रूप में हमारे मार्गदर्शक होते हैं, हमें उनका आशीर्वाद मिलता है तभी हम सफल होते हैं। तो आइए इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आमंत्रित करते हैं विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर हम आग्रह करते हैं कि हमारे मुख्य अतिथि को पुष्प गुच्छ स्वागत करें। माननीय पटना विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी से आग्रह करते हैं कि हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर केसी सिन्हा जी को पुष्प गुच्छ से सम्मानित कर। धन्यवाद सर।
अब हम आग्रह करते हैं अंग वस्त्र देकर प्रोफेसर केसी सिन्हा को माननीय कुलपति जी स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से हम सब उनका स्वागत करें। हम आग्रह करते हैं छात्र संकाय के संकाय अध्यक्ष से कि पटना विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। माननीय कुलपति जी का स्वागत किया जा रहा है जो आज की सभा के अध्यक्ष हैं और शॉल से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। हम पुनः आग्रह करते हैं छात्र संकाय के अध्यक्ष से कि माननीय प्रति कुलपति जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। माननीय प्रति कुलपति जी का स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। हम आग्रह करते हैं अपने विश्वविद्यालय की छात्रा रिंपी से कि वो कुलानुशासक महोदय को पुष्प गुच्छ से सम्मानित करें और शॉल देकर उनका स्वागत करें। हम आग्रह करते हैं विक्रमशिला से कि वो माननीय छात्र संकाय के अध्यक्ष को फूल देकर उनका स्वागत करें और शॉल से सम्मानित करें। हम आग्रह करते हैं राखी से कि पटना विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर संजय कुमार जी को फूल से उनका स्वागत करें और शॉल देकर उन्हें सम्मानित करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आमंत्रित करते हैं अतिथियों को कि वो सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी को पुष्पांजलि कर पुष्पांजलि उनका करें और हम यहाँ सभी सम्मानित वरिष्ठ शिक्षकों से आग्रह करेंगे कि आप सभी आकर और पुष्पांजलि अर्पित करें। हम कल बोल रहे थे हैंड पे करवा देना
धन्यवाद सर। वाकई अगर शिक्षक न होते तो हम आदमी इंसान नहीं हो पाते, ये ज्ञान अर्जित नहीं कर पाते, इस जीवन का कोई आधार नहीं होता। हम यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण विद्यार्थी के रूप में भी हैं और शिक्षक के रूप में भी हैं। हम सब ने अपने गुरुओं से सीखा है और आगे अपने विद्यार्थी को सिखाने का संकल्प लिया है। आइए इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आमंत्रित करते हैं हमारे विश्वविद्यालय के माननीय प्रतिकुलपति महोदय से कि वो आए और अपना संबोधन यहाँ पर हम सभी शिक्षकों के नाम दें। धन्यवाद सुहेल मेहता जी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर के सी सिन्हा जी, मंच पर आसीन पटना विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय गिरीश कुमार चौधरी जी, मंच पर बैठे हुए विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार DSW प्रोफेसर साहब, इस सभा में मेरे सामने बैठे हुए पटना विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त विद्वान शिक्षकगण, कार्यरत शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मीगण। आज शिक्षक 5 सितंबर शिक्षक दिवस है, इस मौके पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ पटना विश्वविद्यालय की तरफ से और अपने तरफ से। शिक्षक क्या है, हर कोई अपने अपने ढंग से बात किए हैं, करते रहे हैं। मूल बात यह है शिक्षक का जो गुण होना है वो अलग अलग परिभाषाओं से परिभाषित की गई है। एक बहुत छोटे शब्दों में मैं परिभाषा आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। शिक्षक जो शब्द है उसमें गुण 3 कम से कम होने चाहिए जो अपने विद्यार्थी को शिखर तक पहुँचावे, और क्षमा की भावना भी रखे, और उसमें कमजोरी जो भी है उसको दूर करे। तो 3 मूलभूत सिद्धांत हैं जो शिक्षक में होनी चाहिए। मैं अनेकों मौकों पर कहा है कि प्रकाश जो है सूरज और चांद से नहीं होता, एक छोटी सी मोमबत्ती जलाने से भी होती है। और शिक्षक का दायित्व है कि जो भी उनके पास एक छोटा मोमबत्ती भी है उसको जलाते रहना है, जिससे वो प्रकाश जो है अपने आने वाली पीढ़ियों में प्रकाशित हो सके। शिक्षक को खुश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुशी जब होगी तभी आप शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे और तभी शिक्षा का ट्रांसफॉर्मेशन भी कर पाएंगे। अब जो आगे मैं बात शेयर करने जा रहा हूँ आप ऑडियंस से कि मेरा कोई रिसर्च नहीं है, मैं कहीं से मैं सुना हूँ वो चीज़ों को मैं कोट कर रहा हूँ। ये रिसर्च हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चला और 75 साल से चल रहा है। वहाँ जितने भी VIPs हुए, एकेडमिशियन हुए, नोबेल लॉरिएट हुए, विभिन्न प्रकार के कुछ जेल भी गए, कुछ उसमें लिटरेरी जायज हुए, सब तरह के व्यक्तित्व वहाँ पर हुए, उसमें हॉरिजॉन्टल स्टडी की गई और उसमें ये पाया गया कि खुश रहने के लिए 4 डायमेंशन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और इस मौके पर इस बात को मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हम सबको इस चीज़ों से अवगत होना चाहिए। पहला डायमेंशन है PQ, आपको फिजिकल क्वोशेंट, इंसान का दुरुस्त होना है। फिजिकल क्वोशेंट मतलब जैसे जैसे आप एजिंग होती है उसमें हमको वर्कआउट करने की ज़रूरत है, अपने फूड हैबिट को बदलना है, लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। नेक्स्ट डायमेंशन आता है IQ, इंटेलिजेंट क्वोशेंट, आपको पढ़ते भी रहना है। अगर टीचर हैं यू हैव टू हैबिचुअल लर्नर, आपको हमेशा किताब पढ़ना है, पेपर पढ़ना है, हर चीज़ पढ़ते रहना है, सो दैट आप अपने को अपडेट कर सकें। तीसरा डायमेंशन आता है इसमें EQ, इमोशनल क्वोशेंट। ये देखा गया है कि जितने विश्व में या देश में सफल और खुश इंसान हैं उनकी EQ हाई थी। इमोशनल क्वोशेंट का मतलब है एक दूसरे से आप कनेक्ट कैसे करते हैं, पर्सन टू पर्सन, टीचर टू स्टूडेंट, तो कनेक्टिविटी जिसकी हाई हुई वो EQ में हाई हुआ। और
स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या है कि लक्ष्य, जिंदगी का लक्ष्य होते हैं। दो इंसान पैसा कमा रहा है, एक इंसान BMW गाड़ी के पीछे लगा हुआ है, दूसरा इंसान गाड़ी के पीछे भी लगा हुआ है, लेकिन उसकी ऑब्जेक्टिव है कि एक बढ़िया से हॉस्पिटल बने जिसमें गरीबों का इलाज मुफ्त हो या कम पैसे पर हो। तो उस व्यक्ति का स्पिरिचुअल इंडेक्स हाई है, कोशिश। और ये चारों डायमेंशन में जो सबसे अच्छा है वही ज्यादा खुश है। ये बात हम इसलिए यहाँ चर्चा की आपके सामने कि शिक्षक को खुश होना बहुत जरूरी है। उसके चार डायमेंशंस हैं। शिक्षक खुश होगा तभी पढ़ाएगा। दुखी आत्मा और दुखी इंसान न ज्ञान ग्रहण कर सकता है न ज्ञान ट्रांसफॉर्म कर सकता है। उसके बाद हम पटना विश्वविद्यालय में कुलपति के सहयोग से कुछ काम किए हैं, कुछ दिख भी रहा है। अभी हम 25th रैंकिंग टाइम से रैंकिंग में है। मैं पूसा से जहाँ आया हूँ वहाँ 9th है, पिछले साल के 9th रैंकिंग पर था। तो जो भी है प्रयास चल रहा है, आने वाले दिनों में हम लोग NIRF के लगे हुए हैं और कोशिश है विश्वविद्यालय की उसमें हम लोग within 100 आवें। ये सर्वोच्च मोटो के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें आप शिक्षक से अनुरोध है कि इस कुलपत के इस एम्बिशियस प्रोग्राम में आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग किस तरह से होना है, जितने भी PUG हेड हैं, PG हेड हैं, प्रिंसिपल हैं, जितनी भी एक्टिविटी आपके यहाँ चलती है उसको तुरंत आप IT स्किल को दें, डायरेक्ट IT उसको दें, कहीं भी दें, तुरंत यूनिवर्सिटी में भेज दें, सो दैट हम लोग उसको हार्ड डिस्क पर रख लें और समय आने पर डाटा भी यूज़ करें। तो डॉक्यूमेंटेशन जब तक नहीं होगा हम लोग आगे और नहीं बढ़ सकते। और इसके बाद अंत में आप सभी शिक्षकों को फिर से आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। और आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। इन्हीं सबों के साथ मैं अपने वाणी में विराम। धन्यवाद सर। वो गुरु ही हैं जो अपने शिष्य को अपने से आगे बढ़ता देखकर खुश होते हैं, गर्व महसूस करते हैं। इतना बड़ा दिन सिर्फ एक शिक्षक का ही हो सकता है। जिसने इस जगत में अपना नाम किया उनकी कामयाबी को तो याद रखते हैं, पर उसके पीछे खड़े गुरु को हम अक्सर भूल जाते हैं। और वर्ष में एक दिन यह जरूर आता है कि हम जीवन भर तो गुरु के दिखाए हुए रास्ते पर हम चलते हैं और सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते हैं, लेकिन यह एक दिन है जिस दिन हम सब अपने गुरुओं को याद करते हैं और फख्र करते हैं अपने गुरुओं पर। और वो गुरु भी फख्र करते हैं कि हमारे शिष्य वैसे जगह पर हैं जहां हम चाहते थे उससे भी ज़्यादा ऊंचाई पर हैं। हम आग्रह करते हैं आज के मुख्य अतिथि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आदरणीय प्रोफेसर KC सिन्हा जी को कि वो आए और हम सभी शिक्षकों को संबोधित करें। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति पटना विश्वविद्यालय प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी जी, मंचासीन माननीय प्रतिकुलपति पटना विश्वविद्यालय प्रोफेसर अजय कुमार सिंह जी, मंच पर उपस्थित पटना विश्वविद्यालय के DSW अनिल कुमार जी, ये हमारे कलीग भी रह चुके हैं पटना साइंस कॉलेज में, उनके बगल में पटना विश्वविद्यालय के प्रोक्टर डॉक्टर रजनीश कुमार जी, और एक्सट्रीम राइट में मंच पर उपस्थित डॉक्टर संजय कुमार जी। इस सभागार में ऐतिहासिक फुलर सीनेट हॉल में उपस्थित परम आदरणीय हमारे जो सीनियर रह चुके हैं, हमारे जो टीचर रह चुके हैं,
सम्मानित विद्वान शिक्षकगण, यह सभागार में उपस्थित पटना विश्वविद्यालय के दो पूर्व कुलपति भी उपस्थित हैं। एक तो हमारे डायरेक्ट गुरु रह चुके हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिन्हा जी और एक प्रोफेसर रास बिहारी प्रसाद सिंह जी, जिन्होंने मुझे साइंस कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया और वहीं से इनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरे लाइफ में है, इस मुकाम पर पहुंचने में है। मैं आपको प्रणाम करता हूं सर। और इस सभागार में उपस्थित पटना विश्वविद्यालय के सभी संकायों के अध्यक्षगण, सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यगण, सभी विभागों के अध्यक्षगण, सभी हमारे कलीग्स जो रह चुके हैं और अभी प्रेजेंट में जो पटना विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, उपस्थित शिक्षकगण हैं, और पटना विश्वविद्यालय के सभी उपस्थित कर्मचारीगण, सभी विद्यार्थीगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधु लोग और जो भी सम्मानित अतिथिगण इस सभागार में उपस्थित हैं वो, और संजय जी जो हमारे मित्र भी हैं, माननीय विधान परिषद के सदस्य हैं, वो भी मौजूद हैं। आज का दिन हम सभी शिक्षकों के लिए एक अहम दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज हमारे विद्यार्थी हमको याद करते हैं और हम अब भी अपने शिक्षकों को याद करते हैं। किसी भी व्यक्ति के, कोई भी व्यक्ति किसी ऊंचाई पर कहीं भी पहुंचा हो, उसको वहां तक लाने में उसके शिक्षक की भूमिका अहम होती है। नोबेल लॉरियट लोगों से जब पूछा जाता, प्रेस वाले पूछते हैं कि आपको नोबेल प्राइज मिला, इसमें किसका योगदान सबसे अहम है, तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान हमारे शिक्षकों का है, जिन्होंने हमें यहां तक पहुंचाया। तो चाहे व्यक्ति किसी मुकाम को हासिल कर लिया हो, हर एक का कोई ना कोई शिक्षक होता, और शिक्षक केवल शिक्षकों का ही नहीं होते, इंजीनियर के भी शिक्षक होते हैं, डॉक्टर्स के भी शिक्षक होते हैं, लॉयर्स के भी शिक्षक होते हैं, जो प्रशासनिक सेवा में है उनके भी शिक्षक होते हैं, और जो छोटा मोटा काम करते हैं उनके भी, जो कारीगर हैं उनके भी शिक्षक होते हैं। हर एक व्यक्ति के जिंदगी में उसके शिक्षक का अहम योगदान होता है। और कहा जाता, हम लोग जब पढ़ते थे तो कहा जाता था कि साहित्य समाज का दर्पण है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, बलराम तिवारी सामने बैठे हुए हैं, कि मेरा तो ये मानना है कि शिक्षक समाज का दर्पण होता है। किसी समाज के शिक्षक को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप जान सकते हैं यह समाज कैसा होगा, यह राज्य कैसा होगा, यह देश कैसा होगा। और शिक्षक का महत्व पहले भी रहा है, आज के दिन में भी है और आगे भी रहेगा। चाहे विज्ञान कितना भी तरक्की कर ले, साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसी ऊंचाई पर हमको ले जाए, लेकिन शिक्षक की भूमिका तब भी अहम रहेगी। हाँ, स्वरूप थोड़ा बदलता जरूर है। हमारे शिक्षक छड़ी यूज करते थे, हमारे कैरियर को बनाने के लिए छड़ी का भी यूज करते थे। आजकल के शिक्षक बिना छड़ी के प्रयोग से भी बच्चों का कैरियर बना रहे हैं। तो शिक्षक की भूमिका पहले भी अहम थी, शिक्षक को सम्मान पहले भी मिलता था, अब भी मिलता है और आने वाले दिनों में भी मिलेगा। शिक्षक के बारे में हम लोग जब भी अवकाश प्राप्त हम भी हैं, तो जब भी हम मित्र इकट्ठा होते हैं, तो सबसे पहले जो हम डिस्कशन करते हैं अपने शिक्षकों के बारे में। अमुक शिक्षक ऐसा पढ़ाते थे, अमुक शिक्षक बहुत प्यार से पढ़ाते थे, अमुक शिक्षक अनुशासन का बहुत ध्यान रखते थे। इस तरह की बातों से हम लोग शुरुआत करते हैं और हम अपने अतीत में चले जाते हैं। हम में से बहुत शिक्षक जो अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, उन लोगों को, हमारे जो शिक्षक हमारे सामने भी बैठे हुए, इनको भी हम लोग जब भी मिलते हैं, हम बैच में हम मित्र मिलते हैं, तो जरूर याद करते हैं और उनके गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। शिक्षक
विद्यार्थियों के उस का सही मार्गदर्शन करता है, क्योंकि शिक्षक अपने शिष्य के गुणों को पहचानता है, उसके कमियों को जानता है, खूबियों को जानता है, कमियों को दूर करने का रास्ता बतलाता है और खूबियों को और अधिक निखारने का उपाय बतलाता है। तो समाज इसका सम्मान भी करती है। हमारे समय में जो शिक्षक होते थे पैदल आते थे साइंस कॉलेज पटना में, छाता लेकर के आते थे, लेकिन उनका सम्मान इस समाज में इतना था, बल्कि साइंस कॉलेज पटना कॉलेज बीएड कॉलेज के शिक्षकों का सम्मान तो पूरे राज्य में था। और जहाँ कहीं हम कहते थे कि हमारे अमुक शिक्षक फिजिक्स ऐसा पढ़ाते हैं, तो सब लोग बड़े ध्यान से सुनते थे, और जो नहीं भी पढ़े हैं, जो नहीं भी जानते थे, वो भी सम्मान में अपना सिर झुका लेते थे। तो शिक्षकों की भूमिका अहम होती है। और आज के इस सभागार में तो इतने वरिष्ठ शिक्षक, इतने विद्वान शिक्षक मौजूद हैं कि हम जो भी बोल रहे हैं बहुत सोच समझ करके बोल रहे हैं, और हमको लगता है कि इन विद्वानों के सामने बहुत कुछ बोलना उचित नहीं लगता है। और हम अपना सम्मान प्रकट करते हैं और अपना सिर झुकाते हैं, सादर प्रणाम करते हैं इतने वरिष्ठ शिक्षकों को। और पटना विश्वविद्यालय का तो एक नाम रहा है, जहाँ कहीं भी अब भी हम लोग जाते हैं तो पटना विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स विद्यार्थी हर ओहदे पर मौजूद हैं। हम शिक्षा विभाग के दिल्ली में गए थे, साइंस कॉलेज के इतने स्टूडेंट्स बड़े बड़े ओहदे पर अभी विराजमान हैं। और एक समय तो ऐसा था कि पटना यूनिवर्सिटी के 7 सेक्रेटरी हुआ करते थे दिल्ली में। तो ये पटना यूनिवर्सिटी का इतिहास रहा है। और शिक्षक दिवस पर हम लोग याद करते हैं, क्या शिक्षक दिवस तो एक ऐसा दिन है जिस पर सब लोग याद करते हैं, लेकिन और दिनों में भी हम अपने शिक्षकों को याद करते हैं। जब भी हमको खुशी होती है तब भी हम याद करते हैं, और जब हम उदास रहते हैं तब भी अपने शिक्षकों को याद करते हैं, क्योंकि उनकी प्रेरणा, उनका उत्साह वर्धन हमें अभी भी याद आता है। हमारे एक शिक्षक थे मैथ्स के, वो वाइस चांसलर भी रह चुके इस यूनिवर्सिटी के, वो जो प्रूफ मैथ्स में लाते थे तो 2 प्रूफ गलत करके लाते थे, इतना होमवर्क करते थे, इतना ईमानदारी से पढ़ाते थे कि जो थ्योरम का प्रूफ होता था वो 2 गलत करके लाते थे घर से, और पहले उसको बतलाते थे और उसमें कंसेप्ट का कुछ गलत कर देते थे, अब पूछते थे कि क्या ये सही है, और उसके बाद तीसरे बार में वो सही प्रूफ बतलाते थे। तो इस तरह का होमवर्क करके आते थे। मेरा तो ये मानना है कि पढ़ने और सीखने का कोई उम्र नहीं होता, हमको आज भी अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के पहले होमवर्क करके आना चाहिए, और अपने विद्यार्थियों को पूरे ईमानदारी से, पूरे लगन से और पढ़ाना चाहिए, और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भी अगर शिक्षक का प्रोत्साहन मिल जाता है तो देखा जाता है कि वो आगे बहुत अच्छा करने लगता है। और ऐसा एग्जाम्पल स्कूल में भी रहा है, स्कूल में कमजोर विद्यार्थी, हम भी एक मैथ्स में तो फेल कर गए थे एडमिशन टेस्ट में, लेकिन हमारे शिक्षक ने प्रोत्साहित किया और दूसरा टेस्ट जो हुआ 15 दिन के बाद उसमें 100% मार्क्स आया। तो शिक्षकों की यह भूमिका होती है। एक और बात कहना चाहेंगे कि विद्यार्थी जितना भरोसा शिक्षक पर करते हैं, कभी कभी तो वो अपने पेरेंट्स पर भी उतना भरोसा नहीं करते हैं। आज भी कभी कभी पेरेंट्स आते हैं, हमारी बात नहीं सुन रहा मेरा बच्चा, आप इसको समझा दीजिए, आपकी बात बहुत मानता है, और देखा जाता है कि उसको समझाने पर समझ जाता है। हमारा अपना बेटा डॉन बॉस्को स्कूल में स्टूडेंट था, और वो मैथ्स का कॉपी उसका हम देखने लगे तो एक सवाल बना हुआ था, हमने कहा कि इसको तो 2-3 तरीके से बहुत शॉर्टकट मेथड से बनाया जा सकता है। तो जानते हैं उसने क्या कहा कि आपको मैथमेटिक्स नहीं आती है, हमारे जो शिक्षक बतला है वही सही है। तो इतना भरोसा अगर शिष्य को गुरु पर होता है
प्रकाश ला सकता है, गुरु ही अंधकार से प्रकाश में ला सकता है। और शिक्षक, हम सभी शिक्षक हैं, हमारी भूमिका कभी खत्म नहीं होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जो रिटायर होते हैं वो देखिएगा कि रिटायरमेंट के बाद बहुत मायूस रहते हैं कुछ दिनों तक, लेकिन एक शिक्षक रिटायर होता है तो उसका सम्मान उसके बावजूद कम नहीं होता, बल्कि सम्मान और बढ़ जाता है, क्योंकि उसके पढ़ाए हुए उसके शिष्य ऊंचे ओहदे पर रहते हैं। और शिक्षक ही ऐसा है जो अपने शिष्य से कभी कंपटीशन नहीं करता है। शिक्षक चाहता है कि हमारा शिष्य शिखर पर पहुंचे, हमसे बहुत ऊपर पहुंचे। ये पेरेंट्स और शिक्षक, पेरेंट्स के बाद शिक्षक ही एक ऐसा है जिसको कोई ईर्ष्या नहीं है, अपने शिष्य के बारे में ऑलवेज कामना करता है वह शिखर पर पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और एक बार पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और इतने हमारे सीनियर से मिलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद सर। केसी सिन्हा सर को यहाँ पर कौन नहीं जानते, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिक्षक हैं। पटना विश्वविद्यालय को गर्व है कि हमारे यहाँ केसी सिन्हा सर पढ़ाते थे और आज उन्होंने उदाहरण दिया शिक्षक के महत्व का कि इनका बेटा ये कहता था कि आप नहीं जानते हैं। तो जो केसी सिन्हा सर की लिखी हुई किताबें मैथ्स की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है और उनके बेटे ने इस तरह से कहा, तो इसी से हम सब समझ सकते हैं कि हम शिक्षकों का कितना महत्व है किसी भी विद्यार्थी के जीवन में और हमारे जीवन में हमारे शिक्षक का कितना ज़्यादा महत्व था। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी जी से हम आग्रह करते हैं कि वो अपना अध्यक्षीय संबोधन हम सभी शिक्षकों के सामने करें। सर, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर उपस्थित सभी शिक्षक प्रेम, हमारे गुरुजन, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर केसी सिन्हा जी जो नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, पटना विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह जी, तीन संकाय प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह जी, प्रोफेसर रजनीश कुमार जी, डिप्टी रजिस्ट्रार संजय जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूर्व कुलपति अरुण कुमार जी, प्रोफेसर रास बिहारी सिंह जी, सभी पटना विश्वविद्यालय के संकाय अध्यक्षगण, प्राचार्यगण, शिक्षकगण, कर्मचारीगण, मीडिया के लोग, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक वृंद एवं अपने गुरुजनों को आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर नमस्कार करता हूँ। मुझे आज अपार खुशी हो रही है कि आज हम अपने कुछ गुरुजनों को यहाँ पर इस अवसर पर सम्मानित होते हुए देख पाएंगे। ये पटना विश्वविद्यालय, जैसा कि केसी सिन्हा साहब बोले, एक ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है, लेकिन ऐतिहासिक क्यों है, इसकी ख्याति देश विदेशों में क्यों थी, ये आप सबों की देन है। आप लोगों ने जो यहाँ पर कार्य किया, अपने विद्वता को पेन और पेपर में ला करके
जर्नल्स में, नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित किया, जिसके चलते पटना विश्वविद्यालय जाना गया कि इस फील्ड में इस तरह के ख्याति प्राप्त प्रोफेसर्स विद्वान यहाँ पर हैं। और जो आपने मेहनत की अपने छात्रों को, जिसको कि हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी का आउटपुट मेन प्रोडक्ट, जो आपने उसको बनाया, देश विदेशों में हर जगह कार्यरत है, जैसा कि केसी सिन्हा साहब ने बताया, चाहे वो एकेडमिक फील्ड हो, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड हो, पॉलिटिक्स हो, या कोई भी फील्ड हो, बिजनेस वर्क हो, हर जगह पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं। इसका इतिहास रहा है, जैसा कि लोग बोला करते हैं कि इस पटना विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी बोला जाता था। ये भारत का सातवां पुराना विश्वविद्यालय है। इसके समकक्ष जितने भी विश्वविद्यालय हैं सबको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो चुका है, लेकिन दुर्भाग्यवश कहें या जो भी कारण रहा हो, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला। कारण क्या है मैं उसमें जाना नहीं चाहूँगा। पिछले दिनों मैं पटना विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों को, रेगुलर गेस्ट फैकल्टी सबको बुलाया था, कैसे काम करना है, कैसे खोई हुई ख्याति को प्राप्त करना है। मैंने उस दिन यही बात की थी, हर का एक लाइफ साइकिल होता है और लाइफ साइकिल सिनुसाइडल वेव की तरह चलता है, कभी पीक पर होता है, फिर घटते घटते कभी जीरो होता है, और घटते घटते इतने घट जाता है कि नेगेटिव पीक पर जाना पड़ता है, और नेगेटिव पीक से पर जाता है तब आदमी को होश आता है, आदमी धीरे धीरे फिर काम करता है, जीरो की तरफ बढ़ता है और फिर पीक तक जाने की कोशिश करता है। आज ये पटना विश्वविद्यालय हम कह रहे हैं मैक्सिमम नेगेटिव पॉइंट पर गया उस समय, जबकि वो दशक था 90 के दशक में हम लोग बहुत पीछे चले गए, मैक्सिमम से निगेटिव मैक्सिमम में थे। धीरे धीरे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, रास बिहारी बाबू बैठे हुए हैं, इन्होंने भी अपने जेब में बहुत काम किया, उस निगेटिव पीक से हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हुए अभी जीरो तक पहुंचे हैं, और जीरो से पुनः कैसे पीक पर पहुंचेंगे, इसी के लिए मैंने सबको बुलाया था, उसमें बातें की थी कैसे इसको अपने ख्याति प्राप्त की जाए। इसके लिए हम लोग पहले जो हम यहाँ ज्वाइन किए दरभंगा हाउस गए, यहाँ बहुत सारे हमारे शिक्षक हैं जो दरभंगा हाउस के शिक्षक रहे हैं, वहाँ की जो स्थिति है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स के बच्चे क्लास करते हैं, इंग्लिश के बच्चे बाहर खड़े रहते हैं, कब क्लास खाली हो हमको मौका मिले क्लास करने की, अजीब सी स्थिति है। हिंदी विभाग के हेड बैठे हैं तरुण जी, इन्होंने हमको वहाँ एक बुलाया वर्कशॉप में, बहुत बढ़िया इन्होंने डैश बनाया था फूल वगैरह लगा करके, लेकिन दर्शक हमारे छात्र नीचे दर्ज पर बैठे थे। क्यों? कोई कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं है, कोई सेमिनार हॉल नहीं है, क्लासरूम भी ढंग के नहीं है। ये है हमारे पटना विश्वविद्यालय। लेकिन जिस समय पटना विश्वविद्यालय था, पीक पर था, उस समय छात्रों की संख्या इतनी नहीं थी, जितने भी हमारे पास संसाधन थे वो सफिशियंट थे, लेकिन बच्चे बढ़ते गए, संसाधन ज्यों करते वहीं रहा, जो हम लोग आए कुलपति के रूप में जो था उसी में हम लोग कोशिश करते रहे और आगे बढ़ते रहे। हमने वहाँ पर प्रयास किया कि नहीं, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है, बिहार सरकार से मैंने बात की, और दो बिल्डिंग एकेडमिक ब्लॉक और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो कि G+10 स्टोरी का है, हम लोगों को अप्रूवल मिला, जिसका कि अप्रोक्सीमेट कॉस्ट करीब करीब 149 करोड़ है, जो कि पटना विश्वविद्यालय में पहली बार इतनी बड़ी रकम का कोई भी ग्रांट बिहार सरकार द्वारा दिया गया है। इसका नक्शा करीब करीब तैयार है, हम उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 महीने के बीच में उसका टेंडर हो जाएगा और उस पर काम शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल से 24-25 आते आते जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है वो कमी कभी नहीं रहेगी, पर पूरा दरभंगा हाउस एकेडमिक ब्लॉक में आ जाएगा और वाणिज्य महाविद्यालय चला जाएगा आपका दरभंगा हाउस, और जो मेरा पुराना ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है इसमें जितने भी तरह के आप सेल्फ फाइनेंस कोर्स प्रोफेशनल कोर्स चलाना चाहें आप चला सकते हैं। 25 तक हमारे यहाँ कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं रहेगी, और एक जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जितने
जरूरत होगी करीब करीब हम लोगों के पास रहेगा। दूसरा है बिल, केवल बिल से नहीं होता है, हम जो भी शिक्षक हैं हम लोगों को काम करने होंगे, अपने को नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट करने के लिए रिसर्च फील्ड में जाना होगा। अभी कुछ दिन पहले जो हम एक एप्लीकेशन मैंने मांगा था प्रमोशन के लिए, हालांकि गवर्नमेंट से अभी कुछ दिन के लिए रोक लगा हुआ है, उसमें मैंने कंडीशन डाला कि आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट लाने होंगे, आप काम किए हों, कर रहे हों या अप्लाई किए, तीनों में से एक होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने एक ब्रेक लगाया और पिछले 6 महीना में आपको विश्वास नहीं होगा 110 रिसर्च प्रोजेक्ट डिफरेंट फंडिंग एजेंसी को जमा हुए, उसमें करीब करीब 12-13 मिल भी गए, बहुत सारे अंडर कंसिडरेशन है, तो हम लोग उस फील्ड में भी काम कर रहे हैं। पीएचडी का जो हम लोगों के पास जितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड होते थे उसमें पिछले बार जो हमारे यहाँ नेक की टीम आई थी जिसमें हमारे बिहारी बाबू कुलपति थे, उसमें मैंने देखा कि 300 पीएचडी थीसिस सबमिट हुए थे, टोटल पेपर कितने थे तो 70, जबकि यूजीसी गाइडलाइन में है एक पीएचडी को सबमिट करने में मिनिमम 2 पेपर चाहिए, 300 थीसिस है 200 पेपर होने चाहिए थे, 600 पेपर होने चाहिए थे, 600 पेपर रहता तो हम लोगों को B+ नहीं आता बल्कि A ग्रेड आता। कारण क्या था कि सोशल साइंस और ह्यूमैनिटी के जो भी शिक्षक थे, जो भी बच्चे अपना पेपर जमा करते थे उसमें वो लोग अपना नाम नहीं देते थे, हमने उसको कंपलसरी किया, कुछ विरोध भी हुआ कि बच्चे काम करते हैं तो हम मेरा नाम क्यों रहेगा, मैं कहता हूँ जब बच्चे अपने खुद काम कर लेते हैं तो आप सुपरवाइजर की जरूरत क्या है, जब आप सुपरवाइजर हैं जो भी पेपर लिखता आप उसको देखें, उसके इंपॉर्टेंस को बढ़ावें, उसके क्वालिटी को बढ़ावें और देखें कि उसका क्या क्वालिटी है, किस तरह के जर्नल में जाने चाहिए, रमना रोड के जर्नल में जाना चाहिए, कॉलेज के जर्नल में, यूनिवर्सिटी जर्नल, स्टेट नेशनल इंटरनेशनल जर्नल में जाना चाहिए, यू हैव टू डिसाइड, यू आर सुपरवाइजर और इस पर काम कर रहा है, जो भी पेपर निकल रहे हैं उसमें सारे सुपरवाइजर के नाम है और सुपरवाइजर के नाम रहने से पेपर की क्वालिटी भी बढ़ रही है। अभी पूरा देश नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तरफ बढ़ रहा है और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा बिहार अभी भी एनुअल सिस्टम में हम लोग जूझ रहे हैं, अभी तक सेमेस्टर सिस्टम में नहीं गए, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में नहीं गए और अगले साल से एनईबी 2022 में जा रहा है। इस फील्ड में भी हम लोग काम कर रहे हैं, पिछले 6 महीना में करीब हम लोग एक एक डिपार्टमेंट के अलग अलग हम लोगों ने मीटिंग की, यहाँ पर डायरेक्टर IQAC वीरेंद्र प्रसाद बैठे हैं, हम लोग 8-9 बजे तक मीटिंग किए अलग अलग और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को इम्प्लीमेंट सब कुछ बनाए, कोर्स स्ट्रक्चर फाइनल किए, सिलेबस बनाए और अभी आप अपलोडेड है आपके वेबसाइट पर, आप देख सकते हैं कि आपका विश्वविद्यालय अभी कहाँ है। तो हर फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हम लोग इम्प्लीमेंट कर चुके हैं पटना यूनिवर्सिटी में, इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग निगेटिव से जीरो पर आए हैं, अभी जीरो से इसको पीक तक ले जाना है, पीक तक ले जाने के लिए हमारे शिक्षकों को और हमारे छात्रों को दोनों को आगे आना होगा, केवल बोलने से नहीं होगा कि पटना यूनिवर्सिटी जहाँ जाते हैं पटना यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी, बिहार का अच्छा यूनिवर्सिटी है, लेकिन जो पटना यूनिवर्सिटी में हैं उनको अपने औकात को देखनी चाहिए कि अब कहाँ। अभी बात आई NIRF रैंकिंग में अप्लाई करने की, तो लोगों ने बोला कि अप्लाई करेंगे पता नहीं कहाँ होगा, हम भी ठीक है 1000 पोजिशन आएगा अप्लाई तो करें। अभी हम लोग एक प्राइवेट एजेंसी इंडिया टुडे सर्वे करके यूनिवर्सिटी की हम लोगों ने अप्लाई कराया उसमें, और जानकर आप लोगों को खुशी होगी कि पटना विश्वविद्यालय का पूरे देश में 25वां स्थान मिला, ये बहुत बड़ी बात है और हम उम्मीद करते हैं कि NIRF रैंकिंग में भी हम लोग जाएं तो अच्छा रैंक हम लोगों को मिलेगा। अभी कल आपने अखबार में देखा होगा कुछ हम लोग MOU भी साइन कर रहे हैं और साइन केवल पेपर में रखने के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, जो हम लोग अभी कल MOU जो आपने देखा होगा नवंबर में 22-23 नवंबर को हम लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसका कि लेवल रियली में इंटरनेशनल लेवल का होगा। तो हम लोग जो आप लोगों ने ये जो यूनिवर्सिटी की नाम थी आप लोगों की देन है, हम लोगों की ड्यूटी है कि जो आपने यूनिवर्सिटी को इतना ऊपर पहुँचाया था अब हम लोगों को अब जो नीचे आया उसको ले जाना हम लोगों की ड्यूटी है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं
हम लोगों को दिया है विश्वविद्यालय, हम लोग उसको कोशिश करेंगे कि उसको हम लोग अच्छे से अच्छे पोजीशन में हम लोग ले जाएं। तो इस तरह से जितने भी फील्ड हैं हर फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगर इस तरह से हमारे शिक्षक और छात्र काम करते रहें तो दिन दूर नहीं है कि पटना विश्वविद्यालय की ख्याति पुनः इंटरनेशनल लेवल में काउंट होने लगेगा। आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं सबको प्रणाम करता हूँ, बधाई देता हूँ। और ये जो परंपरा है, जब हम ज्वाइन किए थे तो शिक्षक दिवस पर जो भी हमारे शिक्षक हमारे विश्वविद्यालय में अपना बहुमूल्य समय दिए हैं उनको सम्मानित करना चाहिए। तो बताया गया कि कुछ शिक्षकों को सम्मानित हो चुके हैं लेकिन कुछ नहीं हुए, इसका मतलब कि सबको होना चाहिए। तो जो लोग सम्मानित हो चुके हैं उनको छोड़ करके हमने पिछले साल 2000 से 2011 तक के जितने भी सेवानिवृत्त शिक्षक थे उनको बुलाया था, उनको सम्मानित किया था। और इस बार हम लोग 2011 से 2020 तक के शिक्षकों को बुलाए हैं। बहुत सारे शिक्षक इसमें नहीं भी आए हैं, बाहर में हैं, उनको भी हम लोग कोशिश करते हैं उनका प्रशस्ति पत्र उनके घर पहुँचा देंगे। और बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात में तो 2004 तक बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना यूनिवर्सिटी का अंग था, 2004 में NIT बन गया। लेकिन 2004 के पहले जो भी शिक्षक हमारे सेवानिवृत्त हुए हैं सबका पेंशन हम लोग देते हैं। आप जितने भी बैठे आप देखे होंगे आपका पेंशन 1 तारीख को जरूर चला जाता होगा। और कोई भी दिक्कत होगी तो जरूर खबर 1 से 2 हम कोशिश करते हैं कि नहीं हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी के टीचर हो। कुछ रिटायर्ड टीचर्स का जो रिसेंटली रिटायर किए हैं उनका 17 मार्च से 19 अप्रैल तक का बकाया था 49 करोड़, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, अभी पैसे 7 तक आ जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है कि 2011 से लेकर के अभी तक का ऑडिटेड अकाउंट नहीं जमा, इसके चलते 2011 से सबको निकाल करके हम लोग उसका यूटिलाइजेशन भेजे, जब सब हो गया फिर वहाँ से आ रहा है कि 2005 और 2006 का पटना यूनिवर्सिटी का यूटिलाइजेशन नहीं है। तो थोड़ा अकाउंट सेक्शन का प्रॉब्लम है, उधर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि पटना यूनिवर्सिटी में जो हमेशा भीड़ लगी रहती थी छात्रों का, एम्प्लॉई का, शिक्षकों का, अपने प्रॉब्लम का, अभी कभी कभी निग्लिजिबल है। और जो भी आप सभी हैं जो रिटायर कर जाते हैं, कोई बकाया है पता चला कि वो बिल बनाएंगे तब हम बिहार सरकार भेजेंगे, पैसे आएगा तब आपको मिलेगा। अभी हमने कर दिया, किसी को कोई बिल नहीं बनाना है। इट इज़ ड्यूटी ऑफ अकाउंट सेक्शन कि जो भी रिटायर किया, जो भी वर्किंग है, सब का बिल अकाउंट सेक्शन बनाएगा और पेमेंट करेगा, वहाँ से एब्सेंटी आएगा कॉलेज से, डिपार्टमेंट से। और अगर किसी को भी लगेगा कि कहीं है तो रिप्रेजेंट करेगा, उसको देन देर हम लोग करेंगे। तो हर फील्ड में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, चाहे एकेडमिक फील्ड हो, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड हो, स्टूडेंट साइड हो। और आप लोगों का अगर आशीर्वाद रहा, आप सभी हमारे गुरुजन हैं, तो अपना यूनिवर्सिटी पुनः ख्याति प्राप्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके सानिध्य में पटना विश्वविद्यालय अपने पुराने इतिहास को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। आपके ये सुंदर संबोधन से हम सभी हमेशा प्रेरित होते रहते हैं और हमारे विश्वविद्यालय का जो लक्ष्य है पुराने इतिहास प्राप्त करना, उसकी ओर हम सब अग्रसर हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आपके दिशा निर्देश में हम सभी शिक्षक इस पटना विश्वविद्यालय को आगे ले जाएंगे और हम सब हर कार्यक्रम में आपके ये प्रेरित भाषण से, प्रेरणा देने वाले भाषण से प्रेरित होते हैं और हमें एक ऊर्जा मिलती है और हमने जो संकल्प लिया है उसकी ओर हम सब अग्रसर रहते हैं। अब वो समय आ गया है जिसका हम सबको इंतजार था। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है जिसमें पटना विश्वविद्यालय में 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी हमारे वरिष्ठ शिक्षकगण, आदरणीय शिक्षकगण औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त हुए हैं। औपचारिक हम इसलिए कह रहे हैं कि शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होते, जब तक उनकी अंतिम सांस चलती रहती है वो समाज की सेवा करते रहते हैं। इसलिए औपचारिक
औपचारिक रूप से जो शिक्षकगण 2020 तक सेवानिवृत्त हो गए हैं उनको आज माननीय कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी जी एवं मुख्य अतिथि प्रोफेसर केसी सिन्हा जी के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाएगा। हम एक एक करके विद्वान शिक्षकों का नाम लेते जाएंगे और हम आग्रह करेंगे कि वो शिक्षकगण यहाँ पधारेंगे और माननीय कुलपति और प्रोफेसर केसी सिन्हा जी उन्हें सम्मानित करेंगे। सबसे पहले हम आमंत्रित करेंगे सम्मान के लिए मिस्टर नागेश्वर तिवारी। डॉक्टर नागेश्वर तिवारी जी बहुत ही सम्मानित शिक्षक। विशेष बात यह है कि हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी जी के गुरु हैं और ये बहुत ही ऐतिहासिक और मनोरम क्षण है कि हमारे माननीय कुलपति जी अपने गुरु जी को सम्मानित करेंगे। इसी दृश्य को देखने के लिए और इसी दिन को देखने के लिए सभी शिक्षक अपने आप को गर्व महसूस करते हैं अपने आप पर कि हमारे जो शिष्य हैं वो हमसे भी ऊपर जाएं। अभी आदरणीय मुख्य अतिथि केसी सिन्हा जी कह रहे थे कि एक शिक्षक ही है जो अपने शिष्य से कभी ईर्ष्या नहीं करते। यह मनोरम दृश्य हमारे कुलपति जी चरण स्पर्श कर रहे हैं अपने गुरु का और ये एक गुरु के लिए जीवन का सबसे बड़ा गर्व का क्षण होता है कि उनके शिष्य ऐसे पद पर होते हैं और उनसे सम्मानित होते हैं। डॉक्टर चक्रधर नारायण सिन्हा बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के हैं। ये 1997 में औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त हुए हैं और इनकी ज्वाइनिंग थी 1960। चूंकि बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 2004 में ही एनआईटी हो गया था लेकिन हमारे विश्वविद्यालय में एक नई परंपरा हुई कि सभी जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं उन्हें सम्मानित करना है। तो बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के डॉक्टर चक्रधर नारायण सिन्हा जी को माननीय कुलपति जी सम्मानित कर रहे हैं और मुख्य अतिथि प्रोफेसर केसी सिन्हा जी। डॉक्टर संतोष कुमार बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के हैं। इनकी ज्वाइनिंग 1967 में हुई थी। 20 नवंबर 1967 में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी और ये सेवानिवृत्त हुए थे 28 फरवरी 2003 को। आपका स्वागत है सर। हम पूरा पटना विश्वविद्यालय आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, हम सब आपको सम्मानित करते हैं। ये सभी वरिष्ठ शिक्षकगण निश्चित रूप से माननीय कुलपति जी के गुरु हैं। स्पष्ट दृश्य ये दिख रहा है कि अपने गुरुओं को चरण स्पर्श करके उनका अभिवादन कर रहे हैं और उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा जी, डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा जी 23 सितंबर 1964 को इनकी ज्वाइनिंग हुई थी और इनकी सेवानिवृत्ति 31 मई 2003 को हुई थी। डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा जी उन्हें माननीय कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी जी और प्रोफेसर केसी सिन्हा जी सम्मानित कर रहे हैं। हम आग्रह करते हैं, वैसे तो वरिष्ठतम शिक्षक से शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है पहले, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राज बिहारी सिंह जी को कहीं जाना है आवश्यक काम से, इसलिए मैं उन्हें आमंत्रित करती हूं कि उन्हें माननीय कुलपति जी एवं प्रोफेसर केसी सिन्हा जी उन्हें सम्मानित करें। प्रोफेसर राज बिहारी सिंह हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं। पिछले 2 साल पहले ये यहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं।
धन्यवाद सर। हम आमंत्रित करना चाहेंगे प्रोफेसर भारती एस कुमार। प्रोफेसर भारती एस कुमार ये डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री पटना यूनिवर्सिटी की हेड थी और इनकी ज्वाइनिंग 15 जुलाई 1971 को हुई थी और 31 अगस्त 2013 को ये औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त हुई। प्रोफेसर भारती एस कुमार स्वागत है मैडम। पटना विश्वविद्यालय हमेशा आपको याद करता है। आपने पटना विश्वविद्यालय को अपना महत्वपूर्ण क्षण दिया है और पटना विश्वविद्यालय में बहुत ही तन्मयता से आपने अपनी सेवा दी है। हम आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर मोहम्मद इजराइल रजा। डॉक्टर मोहम्मद इजराइल रजा एसोसिएट प्रोफेसर थे, पटना विश्वविद्यालय से रिटायर हुए हैं एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में। 10 जुलाई 1987 को ये ज्वाइन किए थे और 31 अक्टूबर 2013 को ये औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त हुए हैं पटना विश्वविद्यालय से। धन्यवाद सर। डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा। डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा पूर्व प्राचार्य पटना साइंस कॉलेज, इनकी ज्वाइनिंग हुई थी 10 नवंबर 1970 को और ये औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त हुए हैं 31 दिसंबर 2013 को। आदरणीय डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा जी का महत्वपूर्ण योगदान विश्वविद्यालय स्तर पर रहा है। ये पटना साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल थे। डॉक्टर उदार झा। डॉक्टर उदार झा प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री पटना यूनिवर्सिटी, इनकी ज्वाइनिंग हुई थी 25 अप्रैल 1975 को और ये औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त हुए थे 31 जनवरी 2014 को। स्वागत है सर आपका। ये सभी वरिष्ठ शिक्षकों का, सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं आदरणीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर केसी सिन्हा जी और विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी जी। डॉक्टर निधि श्रीवास्तव। डॉक्टर निधि श्रीवास्तव ये एसोसिएट प्रोफेसर होकर रिटायर हुई हैं और 5 जुलाई 1976 को इन्होंने पटना विश्वविद्यालय को ज्वाइन किया था और औपचारिक रूप से सेवानिवृत्ति 31 मार्च 2014 को इनकी हुई है। डॉक्टर भगवान प्रसाद सिंह। डॉक्टर भगवान प्रसाद सिंह ये प्रोफेसर से सेवानिवृत्त हुए हैं, 2 जनवरी 1975 को इनकी ज्वाइनिंग हुई थी और 30 अप्रैल 2014 को ये सेवानिवृत्त हुए हैं। ये इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के, पटना विश्वविद्यालय के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से इनकी सेवानिवृत्ति हुई है। डॉक्टर मोहम्मद शमसू जोहा। डॉक्टर मोहम्मद शमसू जोहा ये प्रोफेसर से रिटायर हुए हैं, 23 दिसंबर 1978 को इनकी ज्वाइनिंग हुई थी और 31 मई 2014 को इनकी सेवानिवृत्ति अरेबिक विभाग पटना विश्वविद्यालय से हुई है। डॉक्टर मिथिलेश कुमार मल्लिक। डॉक्टर मिथिलेश कुमार मल्लिक एसोसिएट प्रोफेसर से रिटायरमेंट इनका हुआ है, 3 जनवरी 1974 को इनकी ज्वाइनिंग हुई थी और 30 जून 2014 को इनकी सेवानिवृत्ति हुई। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पटना विश्वविद्यालय से इनकी सेवानिवृत्ति हुई है। डॉक्टर भारती बागची।
नहीं सॉरी, मिसेस किरण घई, मिसेस किरण घई ये रीडर थी। इनकी ज्वाइनिंग 18 नवंबर 1977 को हुई थी और इनकी औपचारिक सेवानिवृत्ति 31 अगस्त 2014 को पटना विमेंस कॉलेज से हुई। ये माननीय पूर्व सदस्य बिहार विधान परिषद भी रह चुकी हैं। आपका स्वागत है मैडम। डॉक्टर एम अजीमुल्ला, डॉक्टर एम अजीमुल्ला एसोसिएट प्रोफेसर से इनकी सेवानिवृत्ति हुई है। 11 जुलाई 1987 को इन्होंने पटना विश्वविद्यालय को ज्वाइन किया था और इनकी सेवानिवृत्ति 31 दिसंबर 2014 को उर्दू डिपार्टमेंट पटना यूनिवर्सिटी से हुई है। डॉक्टर एम अजीमुल्ला, उर्दू डिपार्टमेंट से इनका रिटायरमेंट हुआ है। डॉक्टर सुजाता झा, डॉक्टर सुजाता झा एसोसिएट प्रोफेसर से होकर ये सेवानिवृत्त हुई हैं। 1 सितंबर 1992 को इनकी ज्वाइनिंग हुई थी पटना विश्वविद्यालय में और 31 जनवरी 2015 को पटना विमेंस कॉलेज से ये इनकी सेवानिवृत्ति हुई। डॉक्टर सुजाता झा, डॉक्टर प्रभा शुक्ला, डॉक्टर प्रभा शुक्ला यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थी। 14 नवंबर 1972 को इनकी ज्वाइनिंग हुई थी और 28 फरवरी 2015 को साइकोलॉजी डिपार्टमेंट पटना यूनिवर्सिटी से इनकी सेवानिवृत्ति हुई है। डॉक्टर प्रभा शुक्ला, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह प्रोफेसर, माननीय कुलपति जी और प्रोफेसर केसी सिन्हा जी जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के वर्तमान में कुलपति हैं, दोनों डॉक्टर प्रभा शुक्ला जी का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और सम्मानित कर रहे हैं। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह प्रोफेसर होकर रिटायर किए हैं। 22 नवंबर 1975 को इनकी ज्वाइनिंग हुई थी और 28 फरवरी 2015 को ये सेवानिवृत्त हुए हैं। अर्थशास्त्र विभाग पटना विश्वविद्यालय से इनकी सेवानिवृत्ति हुई है। डॉक्टर सुधा सिन्हा, डॉक्टर सुधा सिन्हा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होकर सेवानिवृत्त हुई हैं। 17 फरवरी 1975 को पटना विश्वविद्यालय में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी। 28 फरवरी 2015 को मगध महिला कॉलेज से इनकी सेवानिवृत्ति हुई है। डॉक्टर सुधा सिन्हा जी, प्रोफेसर पंचानंद चौबे एसोसिएट प्रोफेसर होकर सेवानिवृत्त हुए हैं। 7 फरवरी 1983 को इनकी ज्वाइनिंग हुई थी पटना विश्वविद्यालय में और 31 मार्च 2015 को ये सेवानिवृत्त हुए हैं। गणित विभाग पटना विश्वविद्यालय से इनकी सेवानिवृत्ति हुई है। डॉक्टर रेणु कुमारी प्रोफेसर होकर सेवानिवृत्त हुई हैं। डॉक्टर रेणु कुमारी मगध महिला कॉलेज से 15 जुलाई 1974 को इनकी ज्वाइनिंग हुई थी। 31 मार्च 2015 को इनकी सेवानिवृत्ति मगध महिला कॉलेज से हुई है। डॉक्टर वीना सिन्हा असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पटना यूनिवर्सिटी, 9 जुलाई 1973 को इनकी ज्वाइनिंग हुई थी और 31 मई 2015 को इनकी सेवानिवृत्ति हुई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पटना विश्वविद्यालय से।
वीना सिन्हा, डॉक्टर बलराम तिवारी, प्रोफेसर हिंदी विभाग पटना विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्ति इनकी हुई है। इनकी ज्वाइनिंग 18 नवंबर 1977 को हुई थी और इनकी सेवानिवृत्ति 30 जून 2015 को हुई। हिंदी विभाग पटना विश्वविद्यालय से इनकी सेवानिवृत्ति हुई है। डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, प्रोफेसर होकर रिटायर हुए हैं पटना विश्वविद्यालय से। इनकी ज्वाइनिंग 6 अप्रैल 1972 को हुई थी और इनकी सेवानिवृत्ति 30 जून 2015 को पटना विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग से हुई। डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर होकर रिटायर की हैं। इनकी ज्वाइनिंग 5 जनवरी 1976 को हुई थी और 31 अक्टूबर 2015 को मगध महिला कॉलेज से सेवानिवृत्ति इनकी हुई। डॉक्टर गीता द्विवेदी ये हिंदी की शिक्षक हैं। डॉक्टर रविंद्रनाथ पांडे, ये यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे। 21 अप्रैल 1980 को इनकी ज्वाइनिंग हुई थी। डॉक्टर रविंद्रनाथ पांडे, सम्मानित किया जा रहा है। ये प्रोफेसर होकर सेवानिवृत्त हुए हैं। इनकी ज्वाइनिंग 7 जनवरी 1976 को हुई थी और ये सेवानिवृत्त हुए हैं 31 दिसंबर 2015 को ज्योग्राफी डिपार्टमेंट पटना यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर शत्रुघ्न शरण सिंह, ये यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होकर सेवानिवृत्त हुए हैं। 9 जुलाई 1980 को इनकी ज्वाइनिंग पटना विश्वविद्यालय में हुई थी और ये सेवानिवृत्त हुए हैं 31 जनवरी 2016 को एंशियंट इंडियन हिस्ट्री विभाग से। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर संजय पासवान जी को। डॉक्टर संजय पासवान जी प्रोफेसर होकर ये सेवानिवृत्त हुए हैं। इनकी ज्वाइनिंग हुई थी 19 नवंबर 1996 को और ये सेवानिवृत्त हुए हैं। इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी 30 नवंबर 2020 को डिपार्टमेंट ऑफ पीएमआईआर पटना यूनिवर्सिटी से ये सेवानिवृत्त हुए हैं। ये वर्तमान में माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद हैं। हम सब आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं सर। अब हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर आशीष कुमार घोष, प्रोफेसर होकर सेवानिवृत्त हुए हैं। डॉक्टर आशीष कुमार घोष जी, इनकी ज्वाइनिंग हुई थी 17 दिसंबर 1975 को और सेवानिवृत्त हुए हैं 30/6/2016 को। ये पटना विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं। डॉक्टर आशीष कुमार घोष। डॉक्टर नरेश प्रसाद तिवारी जी प्रोफेसर होकर सेवानिवृत्त हुए हैं। डॉक्टर नरेश प्रसाद तिवारी 7 मार्च 1987 को इनकी ज्वाइनिंग हुई थी पटना विश्वविद्यालय में
30/6/2016 को ये सेवानिवृत्त हुए हैं। फिलॉसफी डिपार्टमेंट पटना विश्वविद्यालय से। डॉक्टर मसूदुल हक एसोसिएट प्रोफेसर होकर रिटायर किए हैं। 18 नवंबर 1996 को इनकी ज्वाइनिंग हुई थी पटना विश्वविद्यालय में और 31 अगस्त 2016 को पटना विश्वविद्यालय के जूलॉजी डिपार्टमेंट से ये सेवानिवृत्त हुए हैं। डॉक्टर रानी आजाद, डॉक्टर रानी आजाद जी प्रोफेसर होकर रिटायर हुई हैं। इनकी ज्वाइनिंग हुई थी 8 दिसंबर 1975 को और इनकी सेवानिवृत्ति मगध महिला कॉलेज से 31 अक्टूबर 2016 को हुई। डॉक्टर रानी आजाद, डॉक्टर प्रकाश चंद्र वर्मा, डॉक्टर प्रकाश चंद्र वर्मा प्रोफेसर होकर रिटायर हुए हैं। 7 फरवरी 1979 को इनकी ज्वाइनिंग हुई थी पटना विश्वविद्यालय में और 30 नवंबर 2016 को ये सेवानिवृत्त हुए हैं बीएन कॉलेज से, सॉरी पटना कॉलेज से। प्रकाश, डॉक्टर प्रकाश चंद्र वर्मा। डॉक्टर अवध किशोर प्रसाद, डॉक्टर अवध किशोर प्रसाद एसोसिएट प्रोफेसर होकर रिटायर किए हैं। 15 मई 1980 को इनकी ज्वाइनिंग हुई थी और 28 दो 2017 को हिस्ट्री डिपार्टमेंट पटना यूनिवर्सिटी से इनकी सेवानिवृत्ति हुई। डॉक्टर अवध किशोर प्रसाद, डॉक्टर ममता दास शर्मा, डॉक्टर ममता दास शर्मा प्रोफेसर होकर रिटायर की हैं। 13/1/1983 को, 13 जनवरी 1983 को इनकी ज्वाइनिंग हुई थी और 31 जुलाई 2017 को इनकी सेवानिवृत्ति पटना विश्वविद्यालय के बंगाली विभाग से हुई। डॉक्टर रामेश्वर नाथ मिश्रा, डॉक्टर रामेश्वर नाथ मिश्रा प्रोफेसर होकर रिटायर हुए हैं। इनकी ज्वाइनिंग हुई थी 29 मार्च 1979 को और इनकी सेवानिवृत्ति 31 अक्टूबर 2017 को हुई स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट पटना विश्वविद्यालय से। डॉक्टर कार्तिक झा, डॉक्टर कार्तिक झा पटना विश्वविद्यालय के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से प्रोफेसर के पद पर सेवानिवृत्ति हुई है उनकी। 1 जुलाई 1980 को इन्होंने पटना विश्वविद्यालय ज्वाइन किया था। 30 नवंबर 2017 को इनकी सेवानिवृत्ति हुई। डॉक्टर रंजन सिन्हा, डॉक्टर रंजन सिन्हा पटना विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग से एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर इनकी सेवानिवृत्ति हुई है। 24 जुलाई 1980 को इनकी ज्वाइनिंग हुई थी और 28 फरवरी 2018 को इनकी सेवानिवृत्ति हुई। डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद पटना साइंस कॉलेज से इनकी सेवानिवृत्ति एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में हुई। 17 जनवरी 1983 को इन्होंने पटना विश्वविद्यालय ज्वाइन किया था और 30 अप्रैल 2018 को ये सेवानिवृत्त हुए। डॉक्टर प्रमोदानंद दास हिस्ट्री डिपार्टमेंट पटना यूनिवर्सिटी से एसोसिएट प्रोफेसर होकर ये सेवानिवृत्त हुए हैं।
डॉक्टर शिव कुमार प्रसाद सिंह, डॉक्टर शिव कुमार प्रसाद सिंह, इतिहास विभाग पटना विश्वविद्यालय से प्रोफेसर के पद पर सेवानिवृत्ति इनकी हुई है। 18 नवंबर 1977 को इन्होंने पटना विश्वविद्यालय ज्वाइन किया था और 31 अगस्त 2018 को इनकी सेवानिवृत्ति हुई। डॉक्टर शिव कुमार प्रसाद सिंह, डॉक्टर उमेश मिश्रा पटना विश्वविद्यालय के अप्लाइड इकोनॉमिक्स से इनका रिटायरमेंट हुआ है प्रोफेसर के पद पर। 17 जनवरी 1978 को इनकी ज्वाइनिंग हुई थी और इनकी सेवानिवृत्ति 30 नवंबर 2018 को हुई। डॉक्टर विवेकानंद मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी विभाग के पटना विश्वविद्यालय के, इनकी सेवानिवृत्ति हुई है। 17 नवंबर 1980 को इनकी ज्वाइनिंग पटना विश्वविद्यालय में हुई थी और 29 फरवरी 2020 को इनकी सेवानिवृत्ति हुई। ये पटना विश्वविद्यालय के जूलॉजी डिपार्टमेंट से प्रोफेसर के रूप में इनकी सेवानिवृत्ति हुई है। डॉक्टर रणधीर कुमार सिंह एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में इनकी सेवानिवृत्ति हुई है। ये सोशियोलॉजी विभाग पटना विश्वविद्यालय से इनकी सेवानिवृत्ति हुई है। पटना विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ के ये सचिव भी रह चुके हैं और अध्यक्ष भी रह चुके हैं। विशेष रूप से उनका स्वागत हम सब शिक्षक संघ करते हैं। 31 अगस्त 2020 को इनकी सेवानिवृत्ति हुई थी और इनकी ज्वाइनिंग 5 नवंबर 1996 को हुई। आग्रह करते हैं
विच माननीय किरण खरे जी हैं, उन्होंने विशेष आग्रह किया है कि वो मात्र दो मिनट लेंगे, मात्र दो मिनट, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसलिए कृपया दो मिनट अपने अपने स्थान पर बैठा जाए। मैं आमंत्रित करूँगा किरण खरे जी को। हम सब आभार
व्यक्त करते हैं। आज पटना यूनिवर्सिटी में शिक्षक दिवस समारोह की अध्यक्षता कर रहे माननीय पटना विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नालंदा खुला विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति प्रोफेसर किसी सिन्हा सर और अन्य सम्मानित शिक्षक। आज के इस कार्यक्रम में प्रोफेसर केसी सिन्हा सर ने आज के दिवस के महत्व के बारे में बताया और शिक्षकों की क्या भूमिका है उसके बारे में बताया। इसके लिए हम अपनी ओर से और पटना विश्वविद्यालय की ओर से प्रोफेसर केसी सिन्हा सर का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद देते हैं। हमारे माननीय यशस्वी कुलपति महोदय पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए शिक्षक दिवस समारोह को भलीभांति और अच्छे तरीके से मनाने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम माननीय कुलपति जी का भी आभार व्यक्त करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। तमाम शिक्षकों की तरफ से उनका इस विश्वविद्यालय के प्रति जो लगाव है, जो उनका स्नेह है, शिक्षकों के प्रति जो सम्मान है, उसको इस कार्यक्रम के माध्यम से वह व्यक्त करने का काम करते हैं। आज शिक्षक दिवस में पटना विश्वविद्यालय के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध सारे सेवानिवृत्त शिक्षक हमारे बीच हैं। मैं उनका साधुवाद देता हूं और उनके यहां आगमन पर हर्ष व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ उनकी उपस्थिति के कारण ही यह कार्यक्रम अच्छी तरीके से संपन्न हो सका है, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आशीर्वचन इस विश्वविद्यालय को मिलता रहेगा, यह मेरी आकांक्षा और ईश्वर से प्रार्थना है। माननीय प्रतिकुलपति महोदय ने सफलता के सारे राज, चाहे वो फिजिकल क्वेश्चन की बात हो, इंटेलिजेंस क्वेश्चन की बात हो, इमोशनल क्वेश्चन की बात हो या स्पिरिचुअल क्वेश्चन की बात हो, उसके बारे में बताया। हमारे सारे नए शिक्षक भी सफलता के मंत्र को अपनाएंगे और वह जीवन में सफल हो पाएंगे। आप इस मंच से सारे लोगों को सर सफलता का मंत्र बताया, इसके लिए हम आपका भी तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। संकायाध्यक्ष प्रोफेसर अनिल कुमार जी छात्र कल्याण ने सभी आगंतुकों का हमारे विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों का स्वागत किया है। हम आपका भी सर तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। इस मंच से हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं तमाम हमारे पटना विश्वविद्यालय के शिक्षकों का, सारे प्रिंसिपल्स, डिफरेंट कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स हमारे बीच उपस्थित हैं उनका, जो संकायाध्यक्ष हैं हमारे बीच, विभिन्न संकायों के संकायाध्यक्षों का और रिसर्च स्कॉलर्स का भी हम धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं और विश्वविद्यालय की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि पूर्व शिक्षिका जो यहाँ सेवानिवृत्त हो चुकी हैं और पहले एमएलसी की सदस्य भी रही हैं सर किरण गई मैडम, वो किरण गई मैडम भी आकर और सारे शिक्षकों को सम्मान के लिए भी आभार व्यक्त किया है। हम उनका भी विश्वविद्यालय की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। बीसी पटना के लोग हमारे पहले अंग थे, बीच में वो हमसे केंद्रीय सदन में चले गए, कुछ शिक्षक हमारे उसमें सम्मानित होने से बच गए थे, उनको सम्मानित करने का कार्य हमारे वर्तमान कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी जी ने किया। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं और उनके सारे बीसी के तमाम गुरुजन जो हमारे बीच उपस्थित हैं, प्रोफेसर संतोष कुमार जी, उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। सभी शिक्षकों के पूर्व महासचिव और अध्यक्ष प्रोफेसर रणदीप
कुमार सिन्हा जी हमारे बीच हैं। आज उनकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाया है। सर, हम लोग आपके ऋणी हैं, आपने शिक्षकों के लिए बहुत सारा काम किया है, विश्वविद्यालय आपको कभी नहीं भूलेगा। आपकी उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। रसायन शास्त्र विभाग अपनी गरिमा पे रहा है और उस गरिमा में हमारे पुराने शिक्षक जो अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, प्रोफेसर उदार झा सर, प्रोफेसर ए के घोष, वो सब हमारे बीच हैं। मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैथमेटिक्स विभाग के प्रोफेसर एस पी राय, पी एन चौबे, हिस्ट्री विभाग के रंजन सर, पी एन दास सर, श्री शंकर प्रसाद सर, असीम दास सर, बहुत सारे शिक्षक हैं। एक एक कर उनका धन्यवाद ज्ञापन करने में बहुत समय लगेगा और सब लोग बहुत मत बीत चुका है, इसलिए मैं समेकित रूप से सभी शिक्षकों का जो सेवानिवृत्त 2011 से 20 तक हो चुके हैं, आज के कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति अच्छी रही, इसके लिए आपका विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मीडिया पर्सन, कर्मचारीगण और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, संलिप्त हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उन सबों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और विश्वविद्यालय की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से आप सभी से आग्रह करेंगे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। घोषणा की जाती है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।